हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मसाला किचन रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम किशमिश बनाने वाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमने अंगूर लिए किशमिश बनाने के लिए और इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया बिल्कुल। और अब हम इसमें से खराब वाले अंगूर निकाल देंगे। अगर कोई हमें इसमें खराब अंगूर दिखता है तो हम उसको निकाल देंगे, हम उसके किशमिश नहीं बनाएंगे। और अब हम इसमें से एक एक अंगूर ऐसे निकाल लेंगे तोड़ के। फ्रेंड्स, ये मैंने आधा किलो अंगूर लिए और इसमें से 200 से 250 ग्राम हमारी किशमिश बन जाएगी, बनके रेडी हो जाएंगी। सूखने के बाद उनका वेट 200 से 250 ग्राम होगा। तो यहाँ पे हमने एक पतीले में पानी ले लिया और गैस ऑन कर लिया। और अब हम इसमें हमने ये अंगूर को हमने अच्छे से बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया। कोई इन पे डस्ट ना लगी हो, कोई कूड़ा ना लगाओ, बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लें आप। और अब हमें इनको बॉयल करना है। बस इसमें एक बॉयल लेके आना, ये बस ऊपर आ जाए सारे किशमिश अंगूर। अभी आप देख रहे हैं कि नीचे हैं लगे हुए, और अभी देखिए सारे ऊपर आ गए हैं अंगूर, एक भी नीचे नहीं बचा। और अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसका पानी एक छलनी में से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम एक ट्रे ले लेंगे, आप कोई प्लेट ट्रे कुछ भी ले लें। और इसमें एक पलमल का कपड़ा ले लें, जिससे कि हम किशमिश अंगूरों को फैलाए, जिसकी हमने किशमिश बनानी है, तो उनका पानी अच्छे से कपड़ा सोख ले, उनके नीचे गीला ना रहे। और इनको ऐसे एक एक करके बिल्कुल अच्छे से फैला देंगे हम। आप इनको कमरे के अंदर पंखे में ही फैला लें, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी, तो बिल्कुल अच्छी किशमिश नहीं बनेगी हमारी। 3 से 4 दिन में किशमिश बिल्कुल रेडी हो जाएगी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको बनने में। अभी हम इनको रख देंगे पंखे के नीचे ले जाके। तो देखिए हमारी किशमिश को अभी रखे हुए अंगूर को रखे हुए 3 ही दिन हुए थे, और हमारी किशमिश बनके कितने अच्छे से रेडी हो गई, बिल्कुल लगी नहीं रहेगी जैसे हमने इनको घर में बनाया। और देखिए मैंने तोड़ के भी दिखाया कि कितनी अंदर से भी कितनी सॉफ्ट है, एकदम अच्छी क्वालिटी की किशमिश बनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।